जगत को। रणभूमि में अर्जुन को गीता ने ही राह दिखाई है, गीता के बिना यहाँ किसने मुक्ति पाई है। नमस्कार, मैं गीता वर्मा, लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल व हिंदी विभाग की ओर से आप सबको गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवद गीता, भगवद गीता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हर हिंदू परिवार में भगवद गीता पाई जाती है। भगवद गीता 720 श्लोक और 18 अध्यायों का एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें उपनिषद, वेद, पुराण सभी ही समाहित है। भगवद गीता के जो वचन थे, जो उपदेश थे, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए थे, जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो वह अपना क्षत्रिय धर्म भूलकर लड़खड़ा गया कि मैं अपने ही परिजनों का कैसे हत्या करूँगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनको कर्मयोग का संदेश दिया था और यह संदेश 5000 वर्ष पहले दिया हुआ आज भी हमें सही राह दिखा रहा। महान गणितज्ञ के आर्यभट्ट ने बताया कि यह युद्ध जो है बिल्कुल सही समय, जो गणना पहले की गई है वो गणना आज भी इससे मैच करती है। और इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है भगवद गीता के बारे में कि गीता को पढ़कर ही मुझे यह पता चला कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन आज हम लोग गीता को छोड़कर, गीता क्या, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी संस्कृति है, हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपने गले लगा रहे हैं। हमारे ग्रंथों में इतनी अच्छी गणना दी हुई है, चाहे वह नक्षत्र हो, चाहे वह ग्रह हो, लेकिन हम आज भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों के पीछे चल रहे हैं। भगवद गीता में पूरा विज्ञान समाया हुआ है। इसमें तीन विज्ञान का वर्णन मिलता है, सृष्टि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान, जिससे सृष्टि के सृजन, उसके पालन पोषण और विनाश सभी निहित है। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पूर्व कलयुग का वर्णन भी भगवद गीता में किया गया है। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मैं तो ये मानती हूँ कि भगवद गीता एक ग्रंथ नहीं है, भगवद गीता एक जीवन दर्शन है। अगर मनुष्य को इसका ज्ञान हो जाए तो वह उसके जीवन में आने वाली हर घटना को अपने मन से स्वीकार करेगा, चाहे वह दुख चाहे वह सुख। आज हमारी युवा पीढ़ी जीवन में जरा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो घबरा जाता है। युवा पीढ़ी के लिए भगवद गीता एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है। अगर वह इसको पढ़ ले, इसका ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह जीवन के ऊंच नीच में जब अनुचित कदम उठाता है तो वह ऐसा नहीं करेगा। उसको पता चलेगा कि उसका जीवन कितना बहुमूल्य है। अब बात करते हैं गीता जयंती। गीता जयंती हरियाणा में सन 2019 से मनाया जा रहा है और आपको पता है कि उस समय 9 देशों ने, यानी कि मैं विदेश की बात कर रही हूँ, 9 देशों में, विश्व के 9 देशों में भी गीता जयंती मनाई गई। आपको पता है यह एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और इसका कारण है कि इसके जितने भी वचन हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे गए हैं। गीता जयंती मनाने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भगवद गीता को पढ़ने का समय आज हमारे पास नहीं है,
ऐसे में कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का कार्यक्रम देखकर हम अपनी संस्कृति की झलक प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां पर कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक एक स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत, कर्मयोग का उपदेश दिया था। और इसमें यही कहा था कि कर्म करना हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। कई बार युवा पीढ़ी यह समझती है कि हम कर्म करें तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर हम कर्म करेंगे तो फल हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन फल कैसे मिलेगा? जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवद गीता हमें सही कर्म करने का उपदेश देती है। भगवद गीता जहाँ हमें कर्म और धर्म का संदेश देती है लेकिन इसमें बताया गया धर्म बाह्य आडंबर नहीं है। इसमें बाह्य आडंबर को त्याग कर सही जीवन जीने की सीख दी गई है। इसमें शांति का संदेश भी है और साथ में यह भी बताया गया है कि जब आपके अधिकारों का हनन हो तो ऐसे में युद्ध भूमि में भी उतरना बिल्कुल सही है। एक राजा का कर्तव्य प्रजा का सही पालन, अपने राज्य को पड़ोसी दुश्मन से बचाने के लिए छल बल कपट सबकी सीख इसमें मिलती है। आपको मालूम है भगवान कृष्ण को जगत गुरु माना जाता है और वह इसलिए कि भगवान कृष्ण ने एक गुरु की भांति हमें हर शिक्षा दी है कि जहाँ शांति से काम ना बने वहाँ आप युद्ध का साथ, जहां बात से काम ना चले वहां छल और बल का साथ है। साथ ही भगवान कृष्ण ने हमें यह भी संदेश दिया है कि जब भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, उनको समान भाव से सब। और भगवान कृष्ण के शिक्षा को आधार बनाकर ही आपको पता है एस्कॉन की स्थापना की। जो एस्कॉन है वो विदेश में कितने ही देशों में जो है अपना इसकी संस्था बनी हुई है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवद गीता की जो प्रासंगिकता है जैसे पहले थी आज भी है, लेकिन हम आज अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। कम से कम हमें उन विदेशियों से तो सीखना चाहिए जो हरे कृष्णा का जाप लगाते करते हुए जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन हम नहीं, किसी भी धर्म का मैं यहाँ विरोध नहीं कर रही, लेकिन हमें अपने धर्म अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। आपको मालूम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी यानी कि विश्वविद्यालय में भी भगवद गीता नाम से एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने भी लिखित रूप में यह माना था कि भगवद गीता एक प्रशंसनीय ग्रंथ है। विश्व के विभिन्न संप्रदायों के बुद्धिजीवियों ने इसका अपनी भाषाओं में अनुवाद और टीका किया है। भगवद गीता को कुछ विचारों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तो हमारे संपूर्ण जीवन में है। किसी ने खूब कहा है, क्यों कहते हो कि जीवन में दर्दों का कोई निदान नहीं है? क्यों कहते हो कि जीवन में दर्दों का निदान नहीं है? गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, फिर कहना कि कौन से मर्म का निदान नहीं। मैं ये आशा करती हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिलेगा आप भगवद गीता को पढ़ेंगे और इस साल नहीं तो अगले वर्ष जरूर कुरुक्षेत्र जाके गीता जयंती महोत्सव को जरूर देखेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।